नमस्कार दोस्तों, मैं राघव सिन्हा स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल टेक जोन राघव में। और आज मैं फिर आया हूं आपके लिए लेकर एक कमाल का वीडियो। और आज के इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं एक्सेल के छोटे छोटे ट्रिक्स जो आपके बेहद ही काम आ सकते हैं दोस्तों। तो फ्रेंड्स, ट्रिक्स को समझने के लिए वीडियो देखें पूरा, आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। शुरुआत करते हैं हम हमारे पहले ट्रिक से जो कि बिल्कुल कमाल की ट्रिक है गाइस। देखो, आपके पास अगर सपोज करो इंटरनेट नहीं है और ना ही आपके पास कोई थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर है और आपको एक्सेल की फाइल को कन्वर्ट करना है पीडीएफ की फाइल में, तो गाइज आप क्या करोगे, ये एक चिंता का विषय हो जाता है। तो ये बहुत ही आसान है, वीडियो को देखना, बहुत अच्छा सा ट्रिक है, आपको समझ में आ जाएगा। जैसे कि मैं यहाँ पर एग्जांपल के लिए बताता हूँ, मैंने यहाँ पर एक फाइल को ओपन किया हुआ है राइट, और इस फाइल को मुझे सेव करना है पीडीएफ में राइट। इसके लिए मुझे मेरे सिस्टम पे ना तो इंटरनेट है और ना ही कोई थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर है, तो ये आप कैसे करोगे? तो सिंपल सा है, आपको जाना है फाइल पे, ठीक है। आप जैसे ही फाइल पे क्लिक करोगे तो कुछ इस तरीके का ऑप्शन आएगा आपको बहुत सारा, जिसमें से आपको क्लिक करना है सेव एस पे। सेव एस पे क्लिक करोगे तो सेव एस का विंडो आपके स्क्रीन पर आएगा, ठीक है। अब आपको इसके फाइल को चेंज कर देना है सिंपली। चेंज करने के लिए क्या है, जैसे कि यहाँ पर बाय डिफॉल्ट यहाँ पर बुक टू है, आप चाहो तो आप अपना नाम भी दे सकते हो, मैंने यहाँ पर अपना नाम दे दिया। अब यहाँ पर इसको इसके टाइप को चेंज कर देना है। इसके टाइप को चेंज करने का मतलब है गाइस, यहाँ पर देखो, यहाँ पर लिखा हुआ है सेव एज टाइप, यहाँ पर एक्सेल वर्कबुक लिखा हुआ है, इसको सिंपली यहाँ पर ड्रॉप डाउन लिस्ट है यहाँ पर क्लिक करना है और यहाँ पर आपका पीडीएफ का ऑप्शन आता है, इस पर सिंपली क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक करोगे उसके बाद आपको कर देना है सिंपली सेव। जैसे ही आप इसको सेव करोगे तो ऑटोमेटिक एक्सेल क्या करेगा, इसकी फाइल को पीडीएफ की फाइल में कन्वर्ट कर देगा और आपकी स्क्रीन पर आपको शो कर देगा। ये आपका फाइल एक्सेल का कन्वर्ट होकर पीडीएफ में कन्वर्ट हो चुका है और आपकी स्क्रीन पर आ गया है, और ये फाइल आपके डेस्कटॉप पे भी आपका सेव होकर के यहाँ पर देखो यहाँ पर ऑटोमेटिक आ गया है, ठीक है। तो बहुत ही आसान सा ट्रिक है, आपको बहुत अच्छा लगेगा ये ट्रिक अपनाने में, तो आप आसान सा ये ट्रिक को फॉलो करो, मज़ा आएगा। तो ये है हमारा आज का पहला फर्स्ट ट्रिक। तो दोस्तों चलते हैं हम हमारे दूसरे ट्रिक की ओर जो कि काफ़ी छोटी है लेकिन बहुत ही कमाल की और अमेजिंग ट्रिक है गाइस। देखो करना क्या है, अगर आपको एक्सेल की फाइल के किसी भी डेटा को, चाहे वो सिंगल या हो मल्टीपल, आपको डिलीट करना है तो क्या करते हो आप, सिंपली आप क्या करते हो, सेल को सेलेक्ट करते हो और सिंपल आप कीबोर्ड से डिलीट करते हो, सिंपली आप यही करते होगे। लेकिन अगर आपको कीबोर्ड बार बार कीबोर्ड से डिलीट करना ना पड़े और आसानी से आप डेटा को डिलीट करोगे तो आप कैसे करोगे? तो ट्रिक ये है कि आपको करना कैसे है। तो करना गाइज ये है, जैसे मैं आपको लाइव करके दिखाता हूँ। जैसे ये टोटल वाला कॉलम है, ठीक है, ये टोटल वाले कॉलम को मुझे टोटल के साथ सारे डेटा को मुझे यहाँ पर डिलीट करना है, ठीक है। तो आप क्या करोगे, आप कर्सर को ऐसे सेलेक्ट कर लोगे और इस जगह पे आओगे, ठीक है, ये प्लस वाले आइकन पे आपको आना और आपको सिंपली ऐसे करके बैक कर देना, आपका ये ऑटोमेटिकली हो गया है डिलीट, है ना, बहुत ही कमाल का गाइज, मज़ा आ गया, ताली बजा दीजिए। उसके बाद चलते हैं हमारा रेट। अगर आपको रेट के कॉलम को डिलीट करना है तो सिंपली आप कुछ नहीं करो, आप यहाँ पर सेल को हाईलाइट करो और ये प्लस वाले आइकन पे जाकर के आप उसको बैक कर दो, ठीक है। इस तरह से आपका ये डेटा हो जाएगा, बिना कीबोर्ड की हेल्प से आप डेटा को कर सकते हो डिलीट। तो आई होप आपको ये भी ट्रिक बहुत ही मस्त लगा हो। दोस्तों बात करते हैं हम हमारे तीसरे ट्रिक की जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है, वो इसलिए कि जब भी आप कभी एक्सेल पे काम करते होगा इस, तो आपने डेटा को शॉर्ट तो जरूर किया होगा वर्टिकली तरीके से। वर्टिकली कहने का मतलब ऊपर से नीचे आपने डेटा को शॉर्ट किया होगा, जैसे कि हमने स्क्रीन पर कुछ डेटा लिखा हुआ है अल्फ़ाबेट्स और इसको वर्टिकली हमने रिप्रेजेंट किया राइट। अब इस डेटा को आपको सिंपली शॉर्ट करना है, तो आप सिंपल क्या करते हो, सेलेक्ट करते हो और डेटा टैब में आप शॉर्ट का ऑप्शन आता है, आप इस पर क्लिक करते हो और सिंपल आप करते हो ओके, तो आपका ये डेटा हो जाता है शॉर्ट। लेकिन क्या आपने कभी भी डेटा को शॉर्ट किया है हॉरिजेंटली, कहने का मतलब लेफ़्ट टू राइट तरीके से, तो वो आप कैसे करोगे? तो आज के इस वीडियो में ये ट्रिक बताने वाला हूँ कि कैसे आप डेटा को शॉर्ट कर सकते हो हॉरिजेंटली। करना क्या है गाइज, आप सिंपली कुछ नहीं करना है, डेटा को आप सिंपली सेलेक्ट कर लो राइट, जो भी आपके सेल्स हैं उसको आप उसको रेंज करके सेलेक्ट कर लो और आपको डेटा टैब में ही आपको जाना है शॉर्ट ऑप्शन पर, ठीक है। शॉर्ट ऑप्शन पर आप जैसे ही जाते हो तो आपका वही ऑप्शन ओपन होता है जो आप करते हो राइट। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर एक ऑप्शन करके एक आपको ऑप्शन मिल रहा है राइट, यहाँ पर आपको देखो मिल रहा है ना एक ऑप्शन करके एक ऑप्शन, यहाँ पर आपको क्लिक करना है। और जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हो तो यहाँ पर शॉर्ट ऑप्शन का एक विंडो आता है जिसमें आपका लिखा हुआ है शॉर्ट टॉप टू बॉटम एंड शॉर्ट लेफ्ट टू राइट। तो अपने को क्या करना है, शॉर्ट लेफ्ट टू राइट, तो यहाँ पर शॉर्ट लेफ्ट टू राइट पे क्या क्लिक करो और सिंपली आपको क्या करना है, ओके करना है। अब इतना से काम आपका नहीं हुआ, अब आपको क्या करना है, शॉर्ट बाई करना है। तो शॉर्ट बाई आपको क्या है,
तो रो फोर हमारा रो सिंपल मेरे को क्या करना है, एक ही रो को सॉर्ट करना है, तो यहाँ पर रो फोर ऑटोमेटिक आपका आ गया है, इसको सेलेक्ट कर लीजिए और सिंपल कर दीजिए ओके। आपका देखो ये भी आपका शॉर्ट हो चुका है। तो इस तरीके से आप इस ट्रिक को अपना कर हॉरिजेंटली डेटा को शॉर्ट कर सकते हो। तो आई होप आपको ये भी ट्रिक पसंद आई। दोस्तों बात करते हैं हम हमारे चौथे ट्रिक के बारे में, जो कि ये भी इंटरेस्टिंग और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वो क्या है गाइस, कैसे आप मल्टीपल सेल के वैल्यूज़ को एक सिंगल सेल पर ला सकते हैं। मतलब कि जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, फर्स्ट नेम लास्ट नेम एंड फुल नेम। तो फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम ये दो अलग अलग सेल्स हैं, इन दोनों सेल के वैल्यूज़ को मुझे फुल नेम वाले सेल पे लाना है। तो ये कैसे आएगा, अब आपको फर्स्ट नेम पे एग्जांपल के लिए मैं अपना ही नेम यहाँ पर लिखता हूँ, राइट। तो चलो मैं यहाँ पर अपना नेम लिख दिया और राघव के बाद हमने यहाँ पर अपना टाइटल लगा दिया सिन्हा, ठीक है। अब ये दोनों अलग अलग सेल के वैल्यूज़ को मुझे इस सेल पे क्या करना है, एक साथ लाना है। तो आप क्या करोगे, तो सिंपली आप इस जगह पे आपको इज इक्वल टू साइन देना है, ठीक है। इज इक्वल टू साइन देने के बाद आपको फर्स्ट नेम वाले सेल को एक्टिव करना है, ठीक है, सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपको बहुत इंपॉर्टेंट है गाइज, एंड का साइन लगाना है, ठीक है। तो एंड का साइन लगाने के लिए आप क्या कर सकते हो, शिफ्ट बटन के साथ 7 को प्रेस करोगे, ठीक है। यानी शिफ्ट प्लस 7 प्रेस करोगे तो एंड का साइन आ जाएगा। उसके बाद आपको लास्ट वाले सेल को हाईलाइट करना है। तो जैसे ही आप करोगे इस तरीके का होगा, उसके बाद आपको कर देना है एंटर। हो गया राघव सिन्हा। अब आप देख रहे हो राघव सिन्हा आपका बिना स्पेस होकर आया है। अब आप कहोगे कि स्पेस कैसे आएगा भाई, तो स्पेस लाने के लिए कुछ नहीं है, आपको इस जगह पे मतलब कि आपको डबल क्लिक करना है, तो आपका एंड के बाद आपका कर्सर ब्लिंक करेगा। तो एंड के बाद जो कर्सर आपका ब्लिंक कर रहा है, यहाँ पे आपको क्या लगाना है, डबल कोट्स को ओपन करना है, ठीक है। डबल कोट्स ओपन करने के बाद आपको एक स्पेस देना है, उसके बाद फिर से आपको डबल कोट्स बंद कर देने हैं, ठीक है। उसके बाद आपको फिर से क्या करना है, एंड का साइन लगाना है शिफ्ट प्लस 7 बटन की मदद से, ठीक है। इस तरह करोगे, अब आप एंटर करो, आप देखो यहाँ पर एक ही सेल में राघव सिन्हा आ गया है स्पेस के साथ। तो इस तरीके से आप मल्टीपल सेल के वैल्यूज़ को सिंगल सेल पे ला सकते हो। तो आई होप आपको ये भी ट्रिक पसंद आई। बात करते हैं हम पांचवी ट्रिक के बारे में दोस्तों, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट ट्रिक है। मैं सजेस्ट करूँगा कि आप इस ट्रिक को जरूर देखो, और ये ट्रिक ये है गाइस कि कैसे आप ऑटोमेटिक तरीके से रोज़ और कॉलम को अपने डेटा पे ऐड कर सकते हो। तो ये करने के लिए आप सिंपली आप भी करते होगे, वो आप कैसे करते हो, तो सिंपली अगर मैं एग्जाम्पल के लिए आपको समझाऊँ कि मुझे आइटम के नीचे एक और रो चाहिए, तो आप क्या करते हो, तो आप सिंपली इस पर क्लिक करते हो, राइट क्लिक करते हो, उसके बाद आप इंसर्ट पे जाते हो, उसके बाद आप क्या करते हो, इंटायर रो पे क्लिक करके आप ओके करते हो। तो इस तरीके से आपका आइटम के नीचे एक और रो आ गया। लेकिन मैं आज के इस वीडियो में बताने वाला हूँ बहुत ही कमाल की ट्रिक, ये आप इतना झंझट किए बगैर कर सकते हो। करना क्या है, सिंपली आपको इस जगह पे आपको 7 पे, जैसे कि मुझे यहाँ पर लेना है एक रो, तो आपको यहाँ पे हाईलाइट है 7, तो इस 7 पे आप क्लिक करो, उसके बाद राइट क्लिक करके सिंपली आप कर दो इंसर्ट, आपका एक रो आ गया। और सिर्फ आप एक ही रो नहीं, आप मल्टीपल रो भी ले सकते हो, आपको लेना है 3 रो। जैसे कि मुझे LED बल्ब के ऊपर में 3 रो चाहिए, तो आपको क्या करना होगा, इस जगह पे कर्सर को आपको रो नंबर यानी कि रो हेडर जो होते हैं वो आपको रो हेडर पे आपको ले जाने हैं। अब आपको सेलेक्ट करना है, जैसे कि 8, 9 और 10, इन तीनों रो हेडर्स को सेलेक्ट कर लो और राइट क्लिक करके आपको क्या करना है, इंसर्ट कर देना है। तो आप बहुत ही आसानी से देखो यहाँ पर 3 रो यहाँ पर ऑटोमेटिक तरीके से यहाँ पर ऐड हो गया। और इस तरीके से आप अपने कॉलम को भी कर सकते हो, ठीक है। तो कॉलम को भी ऐड करने के लिए आप यही प्रोसेस करोगे, तो आपका कॉलम भी ऐड हो जाएगा। तो आई होप आपको ये आज के ये 5 ट्रिक्स बहुत ज़बरदस्त लगे हो। अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आई हो गाइस, तो आप वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना, बेल आइकन पे क्लिक करना, ताकि हमारे लेटेस्ट वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। फिर मैं बहुत जल्द मिलूंगा ऐसे ही वीडियोज़ के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।